गंगा मासी। बापू बापू, ये रहा हरे धनिये का मसाला और ये रहा मेरा माल मसाला। चरस आता बोलो बापू, गांजा भी मिक्स है। गंगा मासी, इन दोनों मसालों को अलग अलग रखना, कहीं गलती से तुमने बटाटा वड़ा के मसाले में मेरा मसाला डाल दिया तो खाने वालों का ये हाल होगा। अरे गंगा मासी, चश्मा तो उतार। अरे चुप, डॉक्टर बोला चश्मा लगा के रखने को। और ये क्या, एक तरफ शीशा टूटा हुआ है और दूसरी तरफ शीशा है ही नहीं। अरे तू लगा, डॉक्टर बोला है चश्मा लगा के रखेगा तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा हमारा आंख। तू था धनी, वो धनी। अरे गिरेगा लगा, ये डबड़े का क्या है, ये उसका माल और ये धनिया। अरे वाह, सम्मित वड़े बनोते। अरे गंगा मौसी, हाँ? जल्दी से गरम गरम बटर वड़ा देना। आया, अरे बहुत साहब, नमस्कार बहुत साहब, जल्दी जल्दी। आता ले, आता ले। आज जो बटाटा वड़े लई टेस्टी होते। आवडले ना? ओ चलतो मी। अच्छा अच्छा चलो। हाँ अगो भैया, मुबारक हो दूल्हे राजा, मुबारक हो। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस में मुबारक हो। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो निकल पाओ। डर के कहाँ भाग रहा तू? डरपोक। ले भाई अपनी प्यास बुझा ले। घरे को शराब पिला रहा है। क्यों, गधे शराब नहीं पी? वैसे गधा नहीं घोड़ा है, ये बुरा मान जाएगा। चलो माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगू? मैंने तो आज तक कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। ओ, यस यस। अरे बादल जरा संभाल लेना। ये मुझे क्या संभालेगा, क्यों मैं गधे मुफ्त। तुम्हारी और जानकी की मंगनी मुबारक। तुम्हारी और जानकी की मंगनी। नीचे उतर गया तो मर्डर कर दूंगा। अबे अबे वो कॉपर की औलाद, अभी उतार देता तुझे माफ कर दूंगा। आग लगी, आग लगी। अरे मेरे राजा, अरे ये मार कहां से खाई? यहां से।
यहाँ से और कहाँ से? तुमने हमारे दूल्हे राजा की आँख फोड़ दी। कल इनकी सगाई है और हमने वहाँ जाके नाच गाना करना है। करेंगे करेंगे, कल इनकी सगाई और आज इनकी धुलाई है। इनका डिजाइन सिर्फ एक ही तरफ बिगड़ा है, अगर दूसरी तरफ भी बिगड़ जाए तो देख लूंगा। अभी मुझे सगाई की जल्दी है। इसका मतलब है कल सगाई नहीं होगी? ऐसा डिजाइन वाला हो जबाई तो क्यों ना हो सगाई। ही इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब? दुनिया का आठवां अजूबा। वैसे दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, आगरा का ताजमहल 7वां अजूबा और वो है नहीं समझे? कल मिलेंगे। हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बोल रहा हूँ। कमिश्नर, कमिश्नर साहब। यह क्या चाहते हैं आप? घबराइए मत, मैं आपको कोई बुरी खबर नहीं, कोई खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? पुलिस और खुशखबरी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस जिस आदमी की 21 साल से तलाश कर रही थी वो मिल गया है। कौन मिल गया है? मिस्टर सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा राजकुमार। क्या क्या? जी जी जी, वो तो मर चुका है, ये जरूर कोई नकली होगा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। देखिए, अगर आपको पुलिस पर पूरा यकीन नहीं है तो पुलिस के पास और बहुत से तरीके हैं जिससे वो आपको पूरी तरह यकीन दिलवा दें। वैसे मैंने मिस्टर कैलाश नाथ से भी बात कर ली है, वो आपको यकीन दिला देंगे। और मिस्टर राजकुमार जो 2 कांस्टेबल के साथ आ रहे हैं वो बाकी का आपको यकीन दिला देंगे। भाई मैं बोल कौन रही है? जी, मैं रुक्मणी देवी बोल रही हूँ। देवी? कहाँ की देवी, किधर की देवी, कौन सी देवी? जी, रुक्मणी देवी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आपको खबर सुनकर खुशी में हुई? जी जी हाँ, बहुत खुशी, बहुत खुशी हुई। वो भी तो मेरा बेटा है ना। मगर आप तो उसकी सौतेली माँ है। तो क्या हुआ, मैं माँ भी तो हूँ उसकी। तो उसकी असली माँ कहाँ है? जी कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप क्या कर रही हैं? कमिश्नर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, देखिए ना कितना बुखार है मुझे, इसलिए डॉक्टर ने कहा है गर्म पानी के साथ ब्रांडी पी लेना। मैं ब्रांडी पी रही हूँ। जी जी जी, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। बुद्धिराम, ऐसे ऐसे मर जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ? वो आ रहा है, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? वो आ रहा है, लक्ष्मी का बेटा राजकुमार। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस को मिल गया वो। भगवान करे उस मौत को मौत आए जिसने मुझसे मेरा मीठा जीजा छीन लिया। हर बात के 3 कारण होते, मेरे जीजा बिना कारण के ऊपर चले गए। क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, मुझे भी साथ में ले जाना था ना। अरे ये क्या कर रही है आप? नहीं मत रोक मुझे, मुझे मर जाने दे, मर जाने दे। अरे आप क्यों मरने लगी माँ जी, आप क्यों चूड़ियाँ तोड़े? हाँ, बरसों पहले उन्होंने आपको औलाद के लिए छोड़ दिया, लेकिन जिस पत्नी के लिए छोड़ दिया मरना तो उसी को चाहिए ना। क्या? अरे चाची, हिंदू नारियों की एक पुरानी रस्म चली आ रही है, पति को सच्चा प्यार करने वाली नारी आज भी वो रस्म निभाती है, पति की चिता में जिंदा जलकर वो अपनी जान दे देती है, यानी कि सती हो जाती है। सती? क्यों चाची, क्या ख्याल है, होना है सती? मैं तो जन्म जन्म से सती हूँ, अपने पति के सिवा किसी पराए मर्द को आज तक आंख उठाकर नहीं देखा मैंने। झूठ बोलती है। अंकल सिन्हा है, आपको बुलाए, चलिए। मेरे जीजा जी की 2 पत्नियाँ थी, दोनों को एक आंख से देखते थे, अब अकेले चले गए, उनका ऊपर टाइम कैसे पास होता होगा, कहाँ जाते वक्त मेरी बहन को भी साथ ले गए होते। तेरा भी ऐसा सत्यान? अबे रो नहीं तो पिटवाएगा, साले अंदर हो जाएंगे। ये क्या हो गया? मैं अचानक यतीम हो गया। भगवान, ये कैसा जुल्म किया तूने मेरे साथ? तुम तो कितने खुशकिस्मत हो गए, तुम्हारा बाप मर गया है। मेरा ये मनुज बाप तो मरता ही नहीं है। मैं आपका सर पकड़ूंगा, पत्थर से मारूंगा।
मुझे क्यों मारा? कौन से? कौन है बे? अपने हैंडसम बाप को नहीं पहचानता? मेरा वो कमीना बाप तो गोरा था। वो हिंदुस्तान की आजादी से पहले था, अभी काला है। मुझे कितना काला हो गया, इसीलिए कहता हूँ बुरे काम मत किया कर। जरा आईना है, बाल ठीक कर लूँ। कौन है ये? इसमें तेरा मुंह कहाँ से दिख रहा है बे? किसने किया है ये? वो तेरा सगा बाप खड़ा ना, उसने तेरा मुंह काला कर दिया।